नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुंदर सिंह और मैं आपको ध्रुव मोटर किस तरफ से दिखाने जा रहा हूँ बलिनो कार की फुल इंटीरियर क्लीनिंग, जिसमें आज हम आपको सीट खोलकर पूरी कार ड्राई क्लीन करके दिखाएंगे। सीटें पहले ही उतार दी गई हैं, जिस पिछली सीट भी हटा दी गई है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जमा हो गए थे, पीछे के हिस्से में भी बहुत सारा डस्ट जमा हो गया था। ये देखिए, पूरी तरह से सीटें हटाने के बाद हम ड्राई क्लीन करते हैं, जिससे कि मिट्टी के एक भी कण गाड़ी के कारपेट पर जमा ना हो सकें। ये आप देख सकते हो, उस गाड़ी कितनी गंदी है, बहुत डर्टी गाड़ी थी, जिसकी वजह से हमें सीटें प्रॉपर उतार के करनी पड़ी। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि हम बगैर सीटें उतारे भी करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है कार ड्राई क्लीन के अंदर, वो होता है कारपेट को अच्छे प्रकार से वैक्यूम कर लेना। जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वैक्यूम से खींच कर साइड हो जाते हैं, और ये आप देख सकते हो मेरे को वैक्यूम करते हुए। इसमें पूरी तरीके से प्रॉपर वे में वैक्यूम क्लीनिंग की जा रही है, जिससे कि सारा डस्ट वैक्यूम के थ्रू हट जाए। एक भी पार्ट, एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर वैक्यूम नहीं की गई है। अदरवाइज सारे के सारे वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करने के बाद, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सीट के पिछली जो सीट होती है उसके जो नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है। अगर आप रेगुलरली ड्राई क्लीन कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम बाद ड्राई क्लीन कराते हो कार की, तो जो पिछली सीट है उसके नीचे भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जमा हो जाता है। अब आप देख सकते हो डोर क्लीनिंग हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहले डोर पर जो स्विच होता है उसके यहाँ पर टेप लगाकर प्रॉपर तरीके से टेप लगाई गई है, और केमिकल की मदद से एंड ब्रश की मदद से सारा के सारा जो इसके ऊपर मैल होता है वो निकाला जा रहा है। स्पीकर की जालियों पर ढंग से ब्रश किया जाता है, जिससे कि जो उसके अंदर जो डस्ट जमा होता है उसको सही से हटाया जाए। एवरी पार्ट पर, सारे के सारे पार्ट पर अच्छे से ब्रशिंग की जाती है, जहाँ पर भी डस्ट जमा होने की संभावना होती है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें कि वैक्यूम क्लीनर से सारा की सारा डस्ट और पानी केमिकल वगैरह खींच लिया जाता है। देख पा रहे हो कि उसको पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है, जितना भी पानी होता है इसमें वो सब सुखा दिया जाता है वैक्यूम क्लीनर से। जालियों पे भी प्रॉपर वैक्यूम मारा जाता है, जिससे कि सारा पानी सूख जाए। उसके बाद होता है टॉवल से सारा सारा जितना भी बकाया जो रह जाता है पानी, उसको अच्छे से साफ कर लेना, जिससे कि बिल्कुल कोई दाग वगैरह पानी का ना लगे। सारी जगह को अच्छी तरह से पहुंचने के बाद इसके ऊपर जो टेपिंग की जाती है जो स्विच पर, उसको अच्छे से निकाल लिया जाता है, और अच्छे से स्विच की जो जगह होती है उसको सूखा ब्रश लेकर बढ़िया करके साफ कर दिया जाता है। ये आपका दरवाज़ा क्लीन हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है छत ड्राई क्लीन करने के लिए। उसमें अच्छे से प्रॉपर वे में जहाँ जहाँ भी डस्ट जमा होता है उसको अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। जिससे कि कहीं भी कोई भी दाग वगैरह रह ना जाए। अच्छे प्रकार से ड्राई क्लीन करने के लिए सारी जितनी भी जगह हैं, आप देख सकते हो सनरूफ के यहाँ पर, लाइट्स के यहाँ पर, यहाँ डस्ट जमा हो जाता है, उसको भी क्लीन करने के बाद। अब नंबर आता है पिलर्स का। पिलर्स और सीट बेल्ट का ऐसा होता है, अच्छे से इसको शैम्पू किया जाता है, शैम्पू करने के बाद ब्रशिंग की जाती है, ब्रशिंग के बाद आप देख पा रहे होंगे उसको अच्छे से टॉवल से पोंछ दिया जाता है। सेम वर्क नेक्स्ट पिलर पर भी अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिग्गी में साफ सफाई का नंबर। डिग्गी में सारे में शैम्पू किया जाता है, सारी एक भी जगह ऐसी कोई छूट ना जाए जहां पर शैम्पू ना किया गया हो। उसके बाद ब्रशिंग की जाती है, ब्रशिंग से सारा जितना भी मैल होता है वो क्लीन हो जाता है।
और ये आप देख सकते हो मोनू उस्ताद जी को ब्रशिंग करते हुए अच्छे से दोनों साइड सेम वर्क प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि सीट बेल्ट को भी अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। प्रॉपर वे में शैम्पू करने के बाद इधर भी पूरे अच्छे से ब्रशिंग की जाती है। फिर डिग्गी में जितना भी डस्ट पार्टिकल जमा होता है उसको अच्छे से शैम्पू किया जाता है और पोंछ दिया जाता है टॉवल से, साफ टॉवल से पोंछने के बाद। इसमें से हर एक प्रकार का डस्ट निकाल दिया जाता है। उसके बाद है सीट, सीट पर अच्छे प्रॉपर वे में शैम्पू किया जाता है, जो कि कहीं पर भी सीट में कोई भी दाग वगैरह होता है तो पहले शैम्पू से अच्छी तरीके से सीट को शैम्पू करने के बाद उसको ब्रशिंग की जाती है। जहाँ पर भी दाग वगैरह लग जाते हैं उनको सबको साफ करने के लिए अच्छे से ब्रश किया जाता है, कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो छूट जाए। सारी चीज़ें आप देख सकते हो सही से ब्रशिंग की जाती है। सीट के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर भी अच्छे से शैम्पू किया जाता है। उसके बाद स्टेप आता है वैक्यूम करने का। वैक्यूम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिससे कि गाड़ी के अंदर वो पानी और शैम्पू जमा ना हो सके, अच्छे से वैक्यूमिंग की जाती है। वैक्यूम प्रॉपर वे में करने के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करना होता है, जिससे कि सारा पार्टिकल नीचे की साइड से आके वैक्यूम सक कर ले। और जो सीट के नीचे का हिस्सा होता है उसको भी अच्छे प्रॉपर तरीके से वैक्यूम की जाने के बाद टॉवल से पोंछ दिया जाता है। सेम प्रोसेस डिग्गी में अप्लाई किया जाता है। डिग्गी में भी अच्छे से शैम्पू करने के बाद वैक्यूम किया जा रहा है। वैक्यूम करने के बाद टॉवल से अच्छे से साफ करने के बाद इसके अंदर टॉवल से आप देख सकते हो साफ किया जा रहा है। इसके सारे पार्ट स्टेपनी वगैरह साफ होने के बाद बढ़िया से लगा दी जाती है और सारे के सारे जो टूल वगैरह होते हैं वो इसमें अच्छे से रख दिए जाते हैं। इसके बाद होता है इसके डिग्गी के ऊपर जो गत्ता होता है उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए सबसे पहले उस पर शैम्पू किया जाता है। वैक्यूम करने के बाद शैम्पू होने के बाद उस पर अच्छे से एक भी ऐसा कोई कोना नहीं रहता जहाँ पर शैम्पू ना किया जाए। अच्छे से शैम्पू होने के बाद इस पर ब्रशिंग की जाती है, जिससे कि जितना भी जो डस्ट मेल वगैरह जमा हो जाता है, कोई दाग वगैरह होता है, वो सब इससे रगड़ के ब्रशिंग करने के बाद साफ कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है जिसमें कि हम इसको प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करते हैं। इसके वैक्यूम होने के बाद जो डिग्गी के पीछे जो स्पीकर ट्रे होती है, नॉर्मली तो ट्रे नॉर्मल होती है जिस प्रकार ये है, नहीं बाकी की में तो स्पीकर होता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल ट्रे होती है इसमें वैक्यूम करने के बाद इसमें शैम्पू किया जाता है, जिससे कि सारा जो भी डस्ट इसमें जमा हो वो शैम्पू में इकट्ठा हो जाए और उसको फिर अच्छे से ब्रशिंग के द्वारा निकाला जा सके। अब ये ब्रशिंग करने के बाद इसका जो लास्ट स्टेप होता है उसमें इसका जितना भी जो शैम्पू होता है वो वैक्यूम से क्लीन कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हो प्रॉपर वे में क्लीन करते हुए, क्योंकि जब तक प्रॉपर वे में आप वैक्यूम क्लीनिंग नहीं करोगे तो जितना भी डस्ट होगा वो इसी में ही रह जाता है और फिर बाद में सामने निकल कर दिखाई देता है। इस तरीके से वैक्यूम करने पर आपका जितना भी डस्ट पार्टिकल है सब वैक्यूम सोख लेता है और आपका ट्रे ये क्लीन हो जाती है। फिर आगे चलते हैं हम डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पर बहुत से लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फैब्रिक का कॉटन का कपड़ा है, जिससे कि अच्छे से ही रब किया जाता है। कपड़े से रब करने के बाद इसमें जो जालियां होती हैं, जो एसी वेंट बोलते हैं जिनको, उनको अच्छे से ब्रश से क्लीन किया जाता है। जहाँ तक ब्रश जा पाता है उतना क्लीन हो जाता है अच्छे से, बाकी ये सारे पार्ट पर सूखा ब्रश जो होता है उससे क्लीन किया जाता है। पानी का यहाँ पर एक भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कि आपको ये लगे कि यहाँ पर कोई हार्मफुल हो सकता है। अच्छे से साफ करने के बाद ध्यान रहे एक बार में केवल हाफ डैशबोर्ड क्लीन करना है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ डैशबोर्ड क्लीन करना है। दोनों साइड सेम वर्क प्रोसेस किया जाएगा, कपड़े से ही करना है, ब्रशिंग नहीं करनी है। ब्रश करना है तो जो छोटा ब्रश होता है नॉर्मल, जिससे कि अभी हम
ये जालियाँ साफ कर रहे हैं, एसी वेंट जिनको बोलते हैं इसको साफ कर रहे हैं, उसी को ही आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे हैंडल के लिए। उसके बाद अच्छे से कपड़े से, टॉवल से, कॉटन टॉवल से सारा पानी वगैरह जो है सब साफ कर देना है। उसके बाद बारी आती है कंसोल की। कंसोल में ज़्यादातर जो अपने फ़ोन रखते हैं, चाबियां रखते हैं, कुछ जैसे पैसे वगैरह रख देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होता है। ये बोतल रखने की जगह होती है जहाँ ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होता है, उसको भी साफ़ करने के लिए अच्छे से प्रॉपर शैम्पू किया जाता है, और ब्रशिंग से जो नॉर्मल ब्रश होता है उससे ब्रशिंग करने के बाद सारा डस्ट हटा दिया जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर सारी सारी ब्रशिंग की जा रही है। उसके बाद टॉवल से अच्छे से पोंछने के बाद ये सारा साफ़ कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इसके कारपेट क्लीनिंग के बाद। कारपेट पर आप देख चुके हो पहले ही हम वैक्यूम कर चुके हैं। उसके बाद इसमें अच्छे से शैम्पू किया जा रहा है। शैम्पू करने का कारण ये होता है जो भी बकाया इसमें रह जाता है डस्ट पार्टिकल वगैरह, उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए पहले शैम्पू किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें वैक्यूम होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें शैम्पू किया जाता है, और उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें अच्छे से ब्रशिंग की जाती है। कोनों की साइड जहाँ पर भी ज़्यादा डस्ट जमा होता है वहाँ से छोटे ब्रश बड़े ब्रश से अच्छे से वह ब्रशिंग करने के बाद अब इसमें प्रॉपर वे में वैक्यूम किया जाता है। सारा डस्ट वैक्यूम खींच लेता है जिससे कि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रह पाता। सेम प्रोसेस सेकंड टाइप साइड में भी अप्लाई होता है। हाफ कारपेट एक बार में होता है, हाफ कारपेट एक बार में। अगर आपके पास अच्छी टीम है तो एक बार में ही दोनों कारपेट हो जाते हैं, नहीं तो हाफ हाफ करके एक बार में। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी अप्लाई किया जाता है। अच्छे से ब्रशिंग करने के बाद, वैक्यूम करने के बाद कारपेट आपका फुल क्लीन हो जाता है। फिर जो हमने सीटें बाहर निकाली हुई थीं उनको भी अच्छे से पहले इसमें शैम्पू किया जाता है। पहले इसमें वैक्यूम करने के बाद शैम्पू हुआ है अच्छे से शैम्पू, कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो कि बगैर शैम्पू के रह जाए, उसके लिए अच्छे से शैम्पू करने के बाद ब्रशिंग की जाती है। ब्रशिंग के बाद इसमें वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम देखिए आप प्रॉपर वे में करना होता है, अगर प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो जहाँ पर भी वैक्यूम नहीं हुआ है वहाँ पर पानी का पार्ट छूट जाएगा और वहाँ पर दाग बनने के आसार हो जाते हैं। सेम चीज़ें पूरी सीट पर अप्लाई होती हैं। कॉटन की सीट है, कॉटन की सीट में दाग थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आप प्रॉपर वे में इसमें शैम्पू करना है। शैम्पू करने के लिए अच्छे से इसको फिर उसके बाद ब्रशिंग कर देनी है। ब्रशिंग का मेन पार्ट ये होता है जो भी दाग धब्बे होते हैं वो सब ब्रशिंग में निकल जाते हैं। उसके बाद अच्छे से वैक्यूम करना है। वैक्यूम करना मेन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना भी जो केमिकल वगैरह और जितना भी डस्ट वगैरह होती है, महल होता है, वो सारा वैक्यूम सोख लेता है और आप सीट एकदम चमचमाती हुई नई दिखने लगती है। सेम चीज़ पूरी सीटों पर भी अप्लाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में की जा रही हैं आपके सामने। अच्छे से वैक्यूम किया जाना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो नीचे होता है आपका ये मैट, जो कपड़े वाले मैट होते हैं उनको प्रॉपर वे में शैम्पू करके उनमें ब्रशिंग करने के बाद वैक्यूम किया जाता है जिससे कि सारा डस्ट जितना भी है वो निकल जाए। और जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो आती है पॉलिशिंग, डैशबोर्ड पॉलिश, जिसमें जहाँ पर भी आपका प्लास्टिक का जो भी पार्ट है, डैशबोर्ड है, दरवाजे है, इन सब में अच्छे से पॉलिश की जाती है जिससे कि आपकी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी दिख सके। पॉलिश हर एक पार्ट पर अच्छे से की जाती है। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश की जा रही है।
एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, बाकी सारी जगह पर अच्छे से पॉलिश की जा रही है, ये देख सकते हो आप। अब ये आपकी गाड़ी ड्राई क्लीन होकर पॉलिश होकर तैयार हो गई है। सीटें भी पूरी पूरी सूख चुकी हैं क्योंकि धूप में खड़ी थी गाड़ी। वैसे नॉर्मल कॉटन की जो सीटें होती हैं उनको सुखाने के लिए कम से कम 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम होता है। बाकी सीटें पूरी तरह से सूख चुकी हैं, ये देख सकते हो। पूरी गाड़ी आपने देखी थी कितनी गंदी है, और अब आप देख सकते हो बिल्कुल चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी हो चुकी है आपकी। आपने देखा गाड़ी हम किस प्रकार ड्राई क्लीन करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें सीटें निकालकर ड्राई क्लीन की जाती हैं, जो आप देख चुके हो। एक प्रोसेस होता है बगैर सीटें निकालकर ड्राई क्लीन करना। दोनों ही प्रकार के प्रोसेस हम करते हैं। जो भी प्रोसेस आपको बेनिफिट अच्छा लगे वो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है जिस पर आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हो। ये सर्विस अभी फ़िलहाल के लिए केवल फरीदाबाद में ही अवेलेबल है। अगर आप फरीदाबाद के बाहर से कहीं वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड वगैरह को रेकमेंड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।